नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में लगातार स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं रायपुर जो है इस स्वाइन फ्लू का हॉटस्पॉट पूरी तरह से बन चुका है। 16 में से 14 मरीज की राजधानी रायपुर में पुष्टि की गई है। तो अब तक 18 जिलों तक स्वाइन फ्लू पूरी तरह से फैल चुका है। तो अब तक प्रदेश में 9 मरीजों की मौत भी स्वाइन फ्लू से हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां लगातार स्वाइन फ्लू अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर पूरी तरह से स्वाइन फ्लू का हॉटस्पॉट बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और पूरे प्रदेश में 9 मरीजों की स्वाइन फ्लू से मौत भी हो गई। रायपुर से मेरे सहयोगी सत्य राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य, हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार स्वाइन फ्लू के मामले सामने आते जा रहे हैं और आज फिर दोबारा 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कई तरह की बीमारियों का अटैक लगातार जारी है। अगर हम बात करें कोरोना को लेकर, चाहे डेंगू के लेकर, चाहे पीलिया को लेकर, अब जो है स्वाइन फ्लू का जो है कहर जारी है और स्वाइन फ्लू लगातार जो है पैर पसार रहा है। राजधानी रायपुर से स्वाइन फ्लू निकलकर अब जो है 18 अलग अलग जिलों तक पहुंच गया और लगातार इसकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। मरीजों के भी इसमें को लेकर इसमें जो है मौत का सिलसिला जारी है। अब तक जो है 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस तरह अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में कल 14 मरीज मिले थे और पूरे प्रदेश की स्थिति में 16 मरीज मिले थे। तो इस तरह जो है लगातार जो है स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब संख्या बढ़कर 161 हो गई है। और एक्टिव मरीजों की बात करें तो 86 एक्टिव मरीज है, जिसमें से रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 54 है और अब तक रायपुर में मरीजों की संख्या 92 हो चुकी है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कोरोना को हल्के में लिया गया था और उसके प्रोटोकॉल में कोताही बरती गई थी, ये शासन प्रशासन की ओर से और जनता की ओर से, तो खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ा था और उनको घर में कैद होने पर जो है मजबूर कर दी, कोरोना ने मजबूर कर दी थी। तो इसी तरह अगर स्वाइन फ्लू का समय रहते अगर नहीं रोका गया, जनता सतर्क नहीं हुए, सावधानी नहीं बरती गई, तो हालत बिगड़ सकता है। क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ में जो है स्वाइन फ्लू एक एक करके जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और स्वाइन फ्लू की अगर हम लक्षण की बात करें तो स्वाइन फ्लू के लक्षण कोरोना की तरह है, वो सीधा सीने में अटैक करते हैं और इसके 3 अलग अलग चरण होते हैं। प्राथमिक स्तर के चरण में घर में इलाज संभव है, दूसरे स्तर के चरण में जो है डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, तीसरे स्तर के जो इसका जो है स्वाइन फ्लू के चरण है उसमें सीधा जो है भर्ती होकर इलाज नहीं कराते हैं तो मौत होने की जो है चांसेस बढ़ जाती है। क्योंकि फेफड़े को अटैक कर देता है और जो है अंदर का जो ऑर्गन है धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, जिसके वजह से लोगों की मौत हो जाती है। तो इस तरह अगर स्वाइन फ्लू को लेकर कहें स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का, तो स्वास्थ्य विभाग के दावा है कि सभी जिलों में जो है स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए जो है अस्पताल में व्यवस्था कर दी गई है। खासकर राजधानी रायपुर में अभी मेकाहारा और एम्स और निजी हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सत्य हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। तो रुक कर लेते हैं और बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां सीएम बघेल का अमित शाह के बयान पर पलटवार सामने आया। कहा कि बीजेपी के सत्ता के दौरान नक्सलवाद चरम पर है। आगे कहा कि बीजेपी के शासन में झीरम घाटी हमला हुआ, तो हमारे शासन में नक्सली पीछे हटा है। तो सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र राज्य में सत्ता के दौरान चुटकी बजाकर नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं किया। तो ये बड़ी खबर है, सीएम बघेल का बयान सामने आया कि हमारे शासन में नक्सली जो हैं वो पीछे हटे हैं। आगे कहा कि सत्ता के वक्त चुटकी बजाकर नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं किया है। 15 साल उनको अवसर मिला, 5 साल केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें थी, तब नक्सलवाद चरम पे था और वही समय है जब झीरम घाटे की घटना घटी। हमारे नेता भी शहीद हुए, जवान भी शहीद हुए, आम नागरिक मारे गए, धन धन की हानि हुई। आज हमारी जो नीति है जिसमें विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस नीति को लेके चले हैं। नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और चुटकी मार के, चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देने। तो 5 साल तो आपको पूरा मौका मिला था केंद्र राज्य में, उस समय चुटकी आपने क्यों नहीं बजाई।
तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। हम आपको बता दें कि बीजेपी के सत्ता के दौरान नक्सलवाद चरम पर है, सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के शासन में झीरम घाटी हमला हुआ, सीएम का बयान सामने आया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे शासन में नक्सली पीछे हटे हैं। तो सीएम बघेल का अमित शाह के बयान पर यह पलटवार है, सत्ता के वक्त चुटकी बजाकर नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं किया। तो ये बड़ी खबर इस समय हम रायपुर से बता रहे हैं, जहां बीजेपी के सत्ता के दौरान नक्सलवाद चरम पर। मोदी जी के 8 साल के अंदर वामपंथी उग्रवाद की कसकर धज्जिया उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हिंसा की घटनाओं में 50% की कमी, मौतों में 66% की कमी, सुरक्षा बल के मृत्यु में 71% की कमी। मोदी जी के 8 साल के अंदर वामपंथी उग्रवाद की कसकर धज्जिया उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हिंसा की घटनाओं में 50% की कमी, मौतों में 66% की कमी, सुरक्षा बल के मृत्यु में 71% की कमी और वामपंथी उग्रवादियों द्वारा समर्पण में 140% की वृद्धि हुई। कुछ जिलों में अब सिमट कर रह गए। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, यहां से भी चुटकी निकल आए। 15 साल उनको अवसर मिला, 5 साल केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें थी, तब नक्सलवाद चरम पे था और वही समय है जब झीरम घाटी की घटना घटी। हमारे नेता भी शहीद हुए, जवान भी शहीद हुए, आम नागरिक मारे गए, धन धन की हानि हुई। आज हमारी जो नीति है जिसमें विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस नीति को लेके चले हैं। नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देने। तो 5 साल का आपको पूरा मौका मिला था केंद्र राज्य में, उस समय चुटकी आपने क्यों नहीं बजाई। मेरे सहयोगी रायपुर से सत्य राजपूत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य, अमित शाह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने अपना बयान दिया है, पलटवार करते हुए नजर आए हैं, किस तरह से देखा जाए सीएम भूपेश बघेल के बयान को। बिल्कुल, एक और अगर हम बात करें तो नक्सल समस्या से निपटने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, चाहे वो केंद्र की ओर राज्य का सरकार हो, तो वहीं दूसरी ओर जो है इसको लेकर जो है बयानबाजी भी तेज हो गई है, इसको लेकर राजनीति की जा रही है। अगर वर्तमान समय में अगर नक्सलवाद की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है नक्सली गतिविधि, नक्सली वारदातों में कमी आई है और पहले की अपेक्षा की अगर तुलनात्मक कहा जाए तो नक्सलियों की संख्या भी कम हुई है, समर्पण भी ज़्यादा हुआ है और नक्सली मारे भी ज़्यादा गए हैं। तो इस तरह जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद उन्मूलन को लेकर जो अभियान चल रहा है उसको लेकर जो है अमित शाह ने कहा था कि चुटकी बजाते हल कर दिया जाएगा और नक्सलवाद की समस्या को लेकर अमित शाह ने ऐसा बयान दिया था, जिसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा कि इनको जो है पिछले 15 साल का समय मिला था, 5 साल में जो केंद्र और में जो है बीजेपी का ही सरकार थी और उस वक्त ये चुटकी बजा की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ उस समय, और जो है नक्सल जो प्रभावित जिलों की संख्या बढ़ी है, नक्सलियों की संख्या बढ़ी है, वारदात हुई है, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, झीरम घाटी कांड हुआ है जिसमें कांग्रेस के पूरे एक पीढ़ी जो है नेता जो है उसमें जो है खो दिए गए थे, शहीद हो गए थे। तो इस तरह के जो बयान आए हैं और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बीजेपी के कार्यकाल था उस समय नक्सल कम नहीं हुए, बढ़े हैं, जबकि वर्तमान समय में कांग्रेस की सरकार है और इस समय में जो छत्तीसगढ़ में जो है नक्सलियों की जो है संख्या में कमी आई है, नक्सलियों को जो है भर्ती करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, लोग जो है बंदूक के जगह पेन पकड़ रहे हैं, हल पकड़ रहे हैं। तो इस तरह जो है बदलाव जो है दिख रहा है। देखिए सत्य, हम यहाँ पे लगातार बयानबाजी देख रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल केंद्रीय गृह मंत्री जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पलटवार भी किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर, सियासत जो है आप देखी जा रही है। सत्य हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। तो रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, खबर रायपुर से है जहां WHO ने स्वास्थ्य योजनाओं की सराहना की है, छत्तीसगढ़ सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को सराहा गया है। तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना अपने उद्देश्य में सफल हुई, तो कुपोषण को दूर करने में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की तारीफ जो है वो की गई है। तो बस्तर में मलेरिया मुक्त अभियान से फायदा मिला, तो वहीं दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को कई बीमारियों का मुफ्त इलाज भी दिया गया है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है।
जहां WHO ने स्वास्थ्य योजनाओं की सराहना की है। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को सराहा गया है, तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना अपने उद्देश्य में सफल रही, तो साथ ही साथ कुपोषण को दूर करने में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की तारीफ की गई है और बस्तर में मलेरिया मुक्त अभियान से फायदा मिला, तो वहीं दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को कई बीमारियों का मुफ्त इलाज जो है वो दिया गया है। रायपुर से मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं सत्य राजपूत। सत्य, देखिए छत्तीसगढ़ मॉडल की न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी तारीफ लगातार की जाती है, लेकिन इसी बीच WHO ने भी छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य योजनाओं की सराहना की है। बिल्कुल, ये प्रदेश सरकार की सफलता है कि WHO ने उसकी तारीफ ही नहीं की, सराहना ही नहीं की, बल्कि जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजना है उसको अपने पेज पर लगाया और उसकी जो कामयाबी है उससे जो मिलने वाले फायदा है पूरे विश्व को उससे रूबरू कराया, क्योंकि WHO एक वैश्विक संगठन है और वो हेल्थ पे काम करता है। ऐसे स्थिति में जो छत्तीसगढ़ में हेल्थ को लेकर किए जा रहे काम को लेकर WHO ने इसके जो सराहना की है, प्रशंसा की है, उसमें WHO ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना जो है रंग ला रही है, और क्योंकि ये जो है दुर्गम वनांचल क्षेत्र में है, ऐसे स्थिति में जो वन आधारित जो जीवन जीने वाले लोग हैं उनको अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो है हजारों रुपए का खर्च बैठ जाता है। ऐसे स्थिति में बाजार हाट में जो है डॉक्टर जो है बस लेकर पहुँचते हैं, जो चलित जो हॉस्पिटल है उसको लेकर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर लोगों का निःशुल्क इलाज ही नहीं करते बल्कि उनको परामर्श भी दिया जाता है और उपयुक्त दवा भी निःशुल्क दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें कुपोषण को लेकर तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण एक गंभीर समस्या है, इसको जंग की तरह सरकार ने लिया है और कहीं ना कहीं अब जो कुपोषण है गिरकर 20% पहुंच गया और इसके लिए रणनीतिक पूर्वक जो 3 साल का जो है प्रोजेक्ट बनाकर जो है यहां पे जो है जंग लड़ी जा रही थी, उसके बाद फिर अभी जो है कुपोषण दर में काफी गिराव आया है क्योंकि यहां रेडी टू ईट से लेकर जो है अंडे और दूध तक जो है बच्चों को वितरण किया जाता है। तारीफ की है तो सत्य हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। तो रुख कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेल खंड के बीच में काचेवानी रेलवे स्टेशन को जोड़ने का कार्य, नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते 58 गाड़ियों के परिचालन पर असर पड़ा है और बताया जा रहा है कि 6 सितंबर तक 58 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 21 अगस्त को रेलवे ने एक साथ 62 ट्रेनों को रद्द किया था, तो रेल यात्रियों के लिए फिर एक बार परेशानियां बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं क्योंकि रेलवे ने दोबारा से 58 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, तो नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते ये बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से दोबारा लिया गया है। तो राजनांदगांव कलमना ट्रेन के बीच चलने वाली ट्रेन जो है वो रद्द कर दी गई हैं और 6 सितंबर तक ये सभी 58 ट्रेनें रद्द रहेंगी, तो यात्रियों के लिए फिर दोबारा से परेशानी जो है वो यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसी खबर पर मेरे सहयोगी बिलासपुर से वीरेंद्र घेवई और रायपुर से सत्य राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य, अभी देखा कि हमने हाल ही में 62 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, लेकिन कल 44 ट्रेनों को रवाना कर दिया गया, लेकिन आज फिर से 58 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, तो यात्रियों के लिए कितनी बड़ी परेशानी। बिल्कुल, ये यात्रियों के लिए एक बड़ी परेशानी है, चूंकि 30 त्यौहार का समय और ऐसे में जो हैं महिलाएं अपने ससुराल जाती हैं, मायके वाले लेने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं इस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए सुलभ जो है माध्यम है, लेकिन हो ये रहा है कि अग्निवीर जो भर्ती हुई है उस समय से जो अग्निकांड हुआ है उस समय से जो लेट लतीफी का दौर चल रहा है, जो रद्द करने का दौर चल रहा है अब तक जारी है, हर दूसरा दिन जो है सैकड़ों की संख्या में ट्रेनों को रद्द कर दी जाती है, लोग जो इंतज़ार करते रहते हैं सफ़र के लिए उसके बड़ी परेशानी हो जाती है, उनके लिए सिर्फ बस का माध्यम ही रह जाता है, जो आम जनता के लिए जो है एक बजट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कहीं ना कहीं लोग
बहुत ज्यादा परेशान है। अगर छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो यहाँ पे जो है सब स्टेशन भी कम कर दिए गए हैं, लोग इससे भी परेशान है, जिससे ट्रेनें जो है एक दूसरे स्थान जाती है, जिससे लोग जो है काफी परेशान हो रहा है क्योंकि जो है सब स्टेशन रद्द कर दी गई है और ऐसे स्थिति में जो है समस्या बनी हुई है। और ट्रेन के रद्द होने से लोग जो है जनप्रतिनिधियों के पास भी गुहार लगाई है कि इस तरह की समस्या का समाधान हो। और जो है जनप्रतिनिधियों ने भी एक जो है ज्ञापन सौंपा था DRM से लेकर तमाम रेलवे के अधिकारियों को, अगर ये समस्या का समाधान नहीं होती है तो रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, जिसके बाद तो कुछ दिनों तक जो है। मेरे सहयोगी वीरेंद्र गहवाई हमारे साथ लगातार बने हुए बिलासपुर से। वीरेंद्र गहवाई, देखिए जब ट्रेनों को रद्द किया जाता है तो यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कुछ और ऑप्शंस नहीं होते हैं कहीं जाने के लिए। तो किस तरह की परेशानी, आखिर क्या बार बार वजह आ रही है जिसके चलते रेलवे ये बड़ा फैसला लेता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, रेलवे की जो प्राथमिकता है वो इन दिनों मालगाड़ी चलाने का है और इस वजह से जो मालगाड़ियां हैं वो चलाई जा रही हैं, लगातार ट्रेनें जो है वो कैंसिल कर दी जा रही हैं। पिछले 8-9 महीने से ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं और एक दो नहीं बल्कि 60-70 ट्रेनें कैंसिल कर दी जाती हैं। अभी 21 से 29 तारीख तक के 62 ट्रेनों को कैंसिल किया गया था और एक ट्रेन को बीच में रिस्टोर किया गया था। इस बीच आज से ट्रेनें चालू होनी थी और जिन 62 ट्रेनों को कैंसिल किया गया था उनमें से 44 ट्रेनें आज से शुरू होनी थी, तो एक बार फिर से राजनांदगांव कलमना के बीच में काम के बहाने ये ट्रेनें कैंसिल की गई हैं और 58 ट्रेनें अब कैंसिल की गई हैं। ये 6 तारीख तक कैंसिल की गई हैं, जिसकी वजह से जो यात्री हैं उनको खासी दिक्कतें होने वाली है क्योंकि अभी तीज त्यौहार है, इसके अलावा गणेश उत्सव है, तो ऐसे समय में छुट्टी जब होती है तो लोग अपने घर आते जाते हैं और ट्रेन एक बेहतर साधन होता है आसपास की दूरियों के लिए। तो लोग बसों से यात्रा कर सकते हैं, अपने वाहन से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो लंबी दूरी के लोग हैं, जो दूसरे राज्यों तक जाते हैं या तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ऐसे लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है। और जो कनेक्टिंग ट्रेन से जाते हैं, क्योंकि ट्रेनें लेट चल रही हैं, तो इस वजह से जो कनेक्टिंग ट्रेन जो पकड़ते हैं उन्हें भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए रेलवे तो अपना बड़ा फैसला लेता हुआ नजर आता रहता है लेकिन अंत में तो यात्री को ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र गहवाई और सत्य हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए रुख कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर रायपुर से है जहां जापान के महावाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधि मंडल ने CM भूपेश बघेल से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान जापान के कॉन्सुलेट जनरल फुकाहोरी ने छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहे विकास की तारीफ की और जापान की तरफ से हर संभव मदद और सहयोग का भरोसा दिया। तो वहीं CM बघेल ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि छत्तीसगढ़ खनिज वन संपदा सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है और यहां विकास की असीम संभावनाएं हैं। एक और बड़ी खबर रायपुर से है जहां चीफ सेक्रेटरी और कर्मचारी फेडरेशन के बीच बड़ी बैठक हुई। मंत्रालय में बैठक का आयोजन जो है वो किया गया तो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक का बयान भी सामने आया। बयान देते हुए कहा कि पहले दौर की बैठक हुई, हमने अपनी मांगे रखी हैं, तो महंगाई भत्ता भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर हड़ताल जारी है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के 9वें दिन ये बड़ी बैठक हुई। तो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक का बड़ा बयान भी सामने आया। बयान देते हुए कहा कि पहले दौर की बैठक हुई है, हमने अपनी मांगे रखी हैं। आगे उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर हड़ताल जारी है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।